लड़के ने नहीं रहना मेरा ऊपर मकान बना दो जी, मैं अकेली रह लूंगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? छत तो चाहिए एक लड़की को रहने के लिए, नहीं तो यहाँ रह रही हूँ, इधर ही रह जाऊंगी। 8 साल रिलेशन हम दोनों ने चलाया है, शादी हम दोनों ने करी है, तो तलाक भी हम दोनों ले ले, जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल था, शादी हो गई अब तलाक भी ले लो, तेरी सो जाया करूंगी मैं। बच्चे के मामले में क्या बोलते हैं कि हमारी पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी, हमारे बच्चे होंगे तो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे। 1.25 साल हुई है शादी को, 1.25 साल में ये हाल है देख लो भाई, 9 साल रिलेशन के बाद ये हाल है मेरा। इंटरकास्ट मैरिज है, अग्रवाल हूँ मैं, वो मुटरेज है। आज उसको चाहे एक पतली लड़की की, एक लंबी लड़की की, जिसकी हाइट अच्छी हो, सुंदर हो, जिस जो दहेज में गाड़ी लेके आए होंडा सिटी, ऐसी लड़की की चाहे उसको। भाई किसी की बेटी होना गुनाह हो गया, कोई बेटी ना पैदा करे आज के बाद से। किसके फादर भी उतने गुनाहगार है जितने लड़के के फादर गुनहगार है। इस गुड़िया से तो मैं कहता हूँ कि सीख लेनी चाहिए पब्लिक को, अगर उनके साथ में कुछ गलत होता है तो कल को खुल के इसकी तरिया बोल तो सके। इसका बाप बराबर का गुनहगार है जी, बेटी ऊपर से कोई पूरा गुनाह करती है बेटी होके, इस तरह से पापी बाप पैदा होकर धरती में सारी है। मेरे दो बेटी है जी, और मैं खाना उसकी इस लड़की के साथ में, तो इसको कहते करते लड़के से पूछो तो क्या तकलीफ है, करते मुझे देख के मेरा सिर दर्द होता है। अरे बस मुझे बताओ कौन सा सिर दर्द हो गया, ये 10 साल गर्लफ्रेंड थी तो खोपड़िया था, 7 साल में सिर दर्द होने लग गया। इसका जो मामा है उसका भी बहुत बड़ा रोल है जी घर को, एक मोन्टू नाम का लड़का है उसका बड़ा रोल है जी घर को खराब करने में। ये सारे मिलके जो है ना जी, ये पूरा गेम प्लान रच रहे हैं भाई, इस बहू को कैसे बाहर निकाल दो। भाई सुंदर सी दुल्हन जो गाड़ी सोना चांदी लेके उसको उसका वेलकम करो। अव्वल दर्जे के मतलब शातिर लोग हैं जो खुद अपने घर में नहीं आ रहे हैं, और एक बेचारी मजलूम और बिल्कुल निर्दोष लड़की है जो कि अपने लिए न्याय मांग रही है, अपने घर में अपना आश्रय चाह रही है, उसने लव मैरिज किया तो उसका ये कसूर छोड़ना है कि वो सड़क पे या गली में रात गुजारे। नमस्कार, मैं हूँ मोहित पानसल, आप लोग देख रहे हैं न्यू एज नेशन। फिलहाल हमारी टीम पहुंची है हिसार के सेक्टर 14 में, और जहां पर एक मामला निकलकर सामने आ रहा है जो कुछ साल पहले ही, तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले एक महिला की शादी होती है, और जैसा कि जो अब पता चल रहा है उस महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया है। जहाँ तक सूचना है 10 साल से जो लड़का और लड़की पहले रिलेशन में थे, अभी 1.5 साल पहले उनकी मैरिज होती है, और आरोप लगाए जाते हैं लड़की के कैरेक्टर पर, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मामला है, उनसे ही जानते हैं, उनके परिजन यहाँ मौजूद हैं, लड़की भी यहाँ पर मौजूद है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जो गेट के सामने रोती हुई आपको नजर आएगी। उनके परिजनों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है। खुशी खुशी मैं रखूंगी, मेरे सास ससुर का करूंगी, लड़के ने नहीं रहना मेरा ऊपर मकान बना दो जी, मैं अकेली रह लूंगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं, घर तो चाहिए ना, छत तो चाहिए एक लड़की को रहने के लिए, नहीं तो यहाँ रह रही हूँ, इधर ही रह जाऊंगी, इधर ही सो जाया करूंगी मैं, घर तो चाहिए रहने के लिए। तो एज पर मुझे लॉ और एज पर पूरा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग्स मैं अपना हक मांग रही हूँ कि मुझे रहने की जगह चाहिए भाई, और इनका कोई हक नहीं बनता मुझे यहाँ से निकालने। अगर ऐसा है, गवर्नमेंट अगर कहती है, मुझे पुलिस कहती है कि आप गलत कर रहे हैं, तो मैं पुलिस के साथ जाऊंगी और मैं इस गलती को भी सुधार लूंगी। अगर पहले पुलिस वाले मुझे कह दे, बस मेरा एक ही है, मेरे को रहने के लिए घर चाहिए, और जो मेरा मैट्रिमोनियल हाउस है जिसका कोई भी हक नहीं है मुझे वहां से निकालने का, तो मुझे वही हक मुझे चाहिए, मुझे रहना है वहां पर। वो चाहते, उन्होंने मेरे से सैटरडे को बात की थी, उसके बाद बात नहीं की, वो यही चाहता है कि मैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, 8 साल रिलेशन हम दोनों ने चलाया है, शादी हम दोनों ने करी है, तो तलाक भी हम दोनों ले ले, जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल था, शादी हो गई अब तलाक भी ले लो, पागल थोड़ी ना हूं मैं, मुझे अगर तलाक चाहिए तो भी तू पूरे समाज के सामने बोल, मेरी गलती बता, ये कोई तरीका नहीं है कि मेरा सिर दुखता है इसलिए मुझे तलाक चाहिए, मेरा सिर दुखने लग जाए फिर। बच्चे के मामले में क्या बोलते हैं कि हमारी पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी, हमारे बच्चे होंगे तो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे। 1.25 साल हुई है शादी को, 1.25 साल में ये हाल है देख लो भाई, 9 साल रिलेशन के बाद ये हाल है मेरा। घूमते हुए सब कुछ ठीक था, इंटरकास्ट मैरिज है, अग्रवाल हूँ मैं, वो मुटरेज है। आज उसको चाहे एक पतली लड़की की, एक लंबी लड़की की, जिसकी हाइट अच्छी हो, सुंदर हो, जिस जो दहेज में गाड़ी लेके आए होंडा सिटी, ऐसी लड़की की चाहे उसको। मैरिज से पहले बस उसने कई बार मुझे ये कहा, मेरे घर में मेरी मम्मी एग्री नहीं है शादी के लिए, हमारी पता नहीं निक पाएगी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, तू मेरे लिए पीछे आ रही है। आज वो भूल गया सारा कुछ, आपके ऊपर घर पे लेके जाने की भी बात, घर वाले कह रहे हैं बेइज्जतियां हो रही हैं हमारी, भाई किसी की बेटी होना गुनाह हो गया, कोई बेटी ना पैदा करे आज के बाद से। ऐसे जी, इसको खराब करने में इसके फादर का भी पूरा रोल है जी, वो आगे तो बढ़ा देते हैं केस को, लेकिन डर जाते हैं वो, बोले समाज में क्या होगा, समाज में क्या हो गया, मुझे मेरे दो बच्चे और बिहार है। इसके फादर भी उतने गुनाहगार है जितने लड़के के फादर गुनाहगार है, नहीं बल्कि इसके इस गुड़िया इसके साथ नहीं खड़ा हो रहा है, वो बारिश का खून पी रहा है। इस गुड़िया से तो मैं कहता हूँ कि सीख लेनी चाहिए पब्लिक को, अगर उनके साथ में कुछ गलत होता है तो कल को खुल के इसकी तरिया बोल तो सके। इसका बाप बराबर का गुनाहगार है जी, इस लड़कियों को कमजोर करने के अंदर में, पता नहीं इसी प्रकार कितनी लड़कियां जो है अपने घर के अंदर दुबक कर बैठी हैं और परेशान हो रही है, जिस प्रकार ये खुद लड़की बोल रही है। सबसे पहले तो इसको अंदर डालो, ये हमारे गुनाह हमारे को कमजोर करते हैं लोग, ये बेटी ऊपर से कोई पूरा गुनाह करती है बेटी होके,
इस साले ऐसे पापी बाप पैदा होकर दी धरती में इस आए हैं। मेरे दो बेटी है जी और मैं इस खाना उसकी इस लड़की के साथ में, तो इसको कहता हूँ घर से भाग जा। लड़कियों ना कोई गुनाह क्या कोई, इसको बाहर बैठे इसका दिल नहीं कांप रहा। बिल्कुल सर, इसको घर में नहीं एंटर कर रहे, वहां ले जा वहां ले जा। लड़कियों ना गुनाह क्या कोई, नहीं सर कोई गुनाह। लड़के से पूछो तो क्या तकलीफ है, कहते मुझे देख के मेरा सिर दर्द होता है। अरे बस मुझे बताओ ये कौन सा सिर दर्द हो गया, ये 10 साल गर्लफ्रेंड थी तो खूब बढ़िया था, 7 साल में सिर दर्द होने लग गया, वैसे कमजोर माँ बाप ने पैदा कर दिया, चक्कर ही है। इसके साथ मैं खड़ा हूँ अंतिम तौर तक और बोलो इसको इंसाफ दिलाऊंगा सरकार के नए प्रणाली से। ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, हम लोग प्रशासन को साथ लेके चलेंगे, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो प्रशासन के खिलाफ करे काम। हम यहाँ बैठेंगे, हम सड़क पे बैठेंगे, हम वहाँ बैठेंगे। नहीं वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन एक कॉल करने की भी एक हद होती है, पुलिस बार बार उनके घर पे फोन कर चुकी है, फोन का कोई रिप्लाई नहीं आया, सुमेर जी से बात हो चुकी है, आखिर और कितना इंतजार होगा। अब प्रशासन अगर हमारे को कहेगा, प्रशासन हमारे को अंदर मौजूद करा, हम जाएंगे जी, हम इस बेटी को अंदर बिल्कुल इसका हक दिलाकर रहेंगे। जो इसका मैट्रिमोनियल हाउस है उसको कोई निकालने की बताओ किसने ताकत है किसके अंदर में, किसी प्रशासन ने कहा है कि बेटी को बाहर निकाल दो, बहू को बाहर निकाल दो। अब वो लड़के देख लो अंधेरा छा गए, किसी को फोन नहीं उठा रहे हैं, उनका यही है कि भी अपने जो है ये 2-4 दिन बैठेगी और अपना चली जाएगी, तुम अपने अपने आपस में वहां पे रो बात ये है। इसमें इनका एक भाई है जी, उसका बहुत बड़ा रोल है, उसका नाम मैं भूल गया, क्या नाम है जी उसका, उसकी इसका जो मामा है उसका भी बहुत बड़ा रोल है जी घर को। एक मोन्टू नाम का लड़का है, उसका बड़ा रोल है जी घर को खराब करने में। ये सारे मिलके जो है ना जी, ये पूरा पूरा गेम प्लान रच रहे हैं भाई, इस बहू को कैसे बाहर निकाल दो, और एक सुंदर सी दुल्हन जो गाड़ी सोना चांदी लेके उसको उसका वेलकम करो। तो जैसे आप संपर्क कर रहे थे फोन नहीं उठा रहे हो? हाँ, फोन नहीं उठा रहे। नहीं घर तो बंद है, फिर ये जाएगी कहाँ पर? अब या तो ये तो सर पूरी रात तो यहाँ पर बैठ कर इंतजार करने तो मुनासिब नहीं होगा। आए हुए इनके घर वाले भी, गुड़िया के इनके घर वाले भी आए हुए हैं। हेलो, ज्यादा हद तरीके अव्वल तरीके अव्वल दर्जे के मतलब शातिर लोग हैं जो खुद अपने घर में नहीं आ रहे हैं, और एक बेचारी मजलूम और बिल्कुल निर्दोष लड़की है जो कि अपने लिए न्याय मांग रही है, अपने घर में अपना आश्रय चाह रही है, उसने लव मैरिज किया तो उसका ये कसूर थोड़ा ना है कि वो सड़क पे या गली में रात गुजारे।